मैं श्रुता सेठ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल साउथ गुजरात की रेसिपी, हरी तुअर के ढेकरा की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और शुरू करते हैं रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप जितना चावल का आटा ले लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 2 टेबलस्पून जितनी मैंने सूजी ली है, तुअर के दाने ले लिए हैं। चावल का आटा और तुअर के दाने का नाप आप सेम रख सकते हो। बारीक काट के मैंने धनिया रखा है यहाँ पे, 1 कप भर के है। और 2 टेबलस्पून जितना गुड़ ले लिया है, ये देसी वाला गुड़ है। 2 टेबलस्पून जितनी मैंने व्हाइट तिल ले लिए है। हरी मिर्ची की पेस्ट है, अदरक और लहसुन की पेस्ट है, 1 नींबू है, हल्दी पाउडर है, सेंधा नमक लिया है यहाँ पे मैंने, और ये पानी ले लिया है। तो सबसे पहले ये जो 1 कप तुअर के दाने हैं, इसे हमें बॉईल करना है, इसलिए मैंने कुकर में इसे डाल लिया है। थोड़ा सा पानी डाला है, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी हींग डाली है, और 2 सीटी बजाकर इसे हम पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तुअर के दाने भी हमारे बॉईल होकर रेडी हो चुके हैं। तो अब गैस पर मैंने एक पैन ले ली है, पैन के अंदर ये 1 कप भर के मैंने पानी डाला है। जिस कप से मैंने चावल का आटा लिया था वही कप मैंने यूज़ किया है, और ये 1/2 कप और पानी डाल दिया है। तो अब अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के साथ ही डाल देंगे ये हरी मिर्ची और अदरक लहसुन की पेस्ट। लहसुन की पेस्ट की जगह पर आपके पास अगर हरा लहसुन हो तो आप वो भी डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून भर के मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। तो पानी में एक उबाल आ गया है, तो अब हम अंदर डाल देते हैं ये 2 टेबलस्पून भर के गुड़, और गुड़ को भी अच्छे से अंदर मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनली ढेकरा जो है वो गन्ने के रस में बनते थे, मतलब कि पानी की जगह पर यहाँ पे गन्ने के रस को उबाला जाता था और अंदर आटा मिक्स करके और मसाले मिक्स करके ढेकरा बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स, गुड़ भी अच्छे से अंदर मिक्स हो गया है और पानी भी 5 मिनट तक उबल चुका है। तो अभी हम अंदर तुअर के दाने भी डाल देते हैं और साथ में ये बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के बारीक कटा हुआ धनिया ले लिया है। अगर आप अंदर हरा गार्लिक डालना चाहो तो भी आप डाल सकते हो। तो अब ये जो सूजी और चावल का आटा है वो हम पानी के अंदर डाल देते हैं। धीरे धीरे एक हाथ से इस तरीके से, यहाँ पे मैंने बेलन लिया है, बेलन से हम आटे को मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके सारा आटा हम अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ट्रेडिशनली बेलन की मदद से ही आटे को मिक्स किया जाता था। यहाँ पे मैं अभी बेलन से थोड़ा आटा मिक्स करूँगी, बाद में करछे की मदद से सारे आटे को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ढेकरा में चावल के आटे के साथ थोड़ा सा ज्वार का आटा और बेसन का आटा और गेहूं का आटा भी डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ चावल का आटा और 2 टेबलस्पून जितनी सूजी का आटा डाला है। इससे भी ये ढेकरा बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप एक बार घर पर सर्व ट्राई करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करछे की मदद से अब मैंने आटे को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, और अब अंदर डाल देते हैं 1 नींबू का रस। नींबू का रस डाल के भी हम अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आटा मिक्स होके एकदम रेडी है। तो 5 मिनट तक ढककर इसे एकदम स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद अब ढक्कन खोलकर हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा सा कुक होके रेडी हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए साइड पर रख देंगे। अब ये आटा ठंडा हो चुका है, तो हमें इसे थोड़ा सा मसलना है, इसलिए हथेली पर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और हाथों से अच्छे से इसे मसल कर एक डो जैसा बना लेंगे।
तो फ्रेंड्स अभी आटा मसल के एकदम रेडी हो चुका है, तो एक बार मैं अपने हाथों को धो लेती हूँ। उसके बाद इस आटे में से थोड़ी सी लोइया हम तोड़ लेंगे। नींबू साइज़ की लोइया को आपको तोड़ लेना है और इस तरीके से हथेली के बीच गोल घुमाते हुए इस तरीके से इसे फ्लैट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक ढेकरा को मैंने बना के रेडी कर लिया है। तो इसे प्लेट में साइड पर रखते जाएंगे। इस तरीके से मैं दूसरे ढेकरा भी रेडी कर लेती हूँ। आपको इस तरीके से गोल घुमाते हुए इसे फ्लैट कर लेना है, मतलब कि आप रोटी की जैसी लोइया बनाते हैं उस तरीके से आपको बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ढेकरा मैंने बना के प्लेट में रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ढेकरा को अभी फ्राई नहीं करना चाहते हो तो आप इस ढेकरा के आटे को डिब्बे में भर के स्टोर करके फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए भी रख सकते हो, और जब भी खाना हो तब भी आप इसे निकाले और फ्राई कर ले। तो अभी हमने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब ढेकरा को हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके हम तेल में ढेकरा डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ढेकरा को आपको डालने के बाद तुरंत से इसमें करछा नहीं हिलाना है, थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई होने दे, उसके बाद आप उसे पलटा ले और पलट पलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ढेकरा फ्राई होके रेडी हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर कलर इसका आ गया है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप इसे बाहर निकालकर टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हमारे ढेकरा। तो अब इसे गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, आपको जो पसंद हो इसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ढेकरा को सर्व किया है चाय के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी इस हरी तुअर के ढेकरा की रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।